जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा, मुझे लगा एक बहुत ही मासूम सी दिखने वाली सीधी सादी खूबसूरत लड़की किसी एक्स वाई जेड कारण की वजह से ड्रग कार्टल्स के चक्कर में फंस जाती होगी और फिर इनसे बचने के लिए ये एक हॉट वाइल्ड एक्शन पैक चिक का अवतार ले लेती होंगी। वेल, ये मुझे सिर्फ लगा ही था। सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। मिस बाला ये एक रीमेक मूवी है 2011 में बने मैक्सिकन मूवी मिस बाला की। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कैथरीन हार्डविक ने, जिन्होंने ट्वाइलाइट मूवी को भी डायरेक्ट किया था। स्टोरी है ग्लोरिया की, जो कि लॉस एंजलिस में ऐसा मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रही है और करियर इनका इतना खास नहीं है। तभी ये अपनी दोस्त सुजू से मिलने जाती है टिवाना मेक्सिको में, जहाँ पर इनकी दोस्त तैयारी कर रही है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस बाजा जीतने का। इसी के चक्कर में ये एक पार्टी में जाती है जहाँ पर मेक्सिको पुलिस ऑफ चीफ के ऊपर कुछ ड्रग कार्टल्स जानलेवा हमला कर देते हैं। ग्लोरिया किसी तरह वहां से भाग जाती है, मगर बाद में इन ड्रग कार्टल्स के हाथ लग जाती है। वहीं पर ग्लोरिया सुजू को भी नहीं ढूंढ पा रही है। ये ड्रग कार्टल्स ग्लोरिया से कहते हैं कि अगर वो इनका काम करते रहेंगी तो वो इनके दोस्त सुजू को ढूंढ लेंगे। अब ग्लोरिया क्या करती है और क्या ग्लोरिया अपनी दोस्त सुजू को ढूंढने में कामयाब हो पाएंगी और आखिर क्या ट्विस्ट निकलकर सामने आता है मूवी के एंड में, कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है मिस बाला। स्टोरी इस मूवी की बहुत बेसिक और प्रेडिक्टेबल है। ऐसी स्टोरीज पर बनी काफी मूवीज हमने ऑलरेडी देख ली है, तो ये मूवी क्या नया ऑफर करती है? जवाब है ऑलमोस्ट कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ एक थोड़ा सस्पेंस है मूवी के एंड में, जो कि अगेन कहीं ना कहीं आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जीना रॉड्रिगेज ग्लोरिया के कैरेक्टर में एकदम परफेक्ट थी और इनको देख के ऐसा लग रहा था कि अगर जब ये एक्शन सीन में आएंगी तो रियली बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, मुझे लगा कि अब ये एक्शन सीन में आएंगी, मगर नहीं आती हैं। और इसकी सारी वजह शायद से इसके राइटर और डायरेक्टर है, जिन्होंने इस मूवी को एक एक्शन पैक्ड मूवी के सामने के जैसे हमें हमारे सामने प्रेजेंट किया, मगर अनफॉर्चुनेटली मिस बाला को यानी कि जीना रॉड्रिगेस को वो कैरेक्टर ही नहीं मिला, वो सीन्स ही नहीं मिले जो कि इनके कैरेक्टर को इनके एक्टिंग को रियली उभार कर सामने लाती। पूरी मूवी ग्लोरिया यानी कि जीना रॉड्रिगेस के आगे पीछे घूमती है और ये मूवी एक एक्शन पैक मूवी है तो कुछ ना कुछ एक्शन कुछ दिखाना चाहिए था। हाँ देखते हैं हम, बट वो सिर्फ एक मोमेंट्स दिखाते हैं, गन्स लोड करना, मैगजीन गन्स में डालना, दैट्स नॉट एक्शन। इनको रियली हमें किसी एक्शन सीक्वेंस में देखना था, जो कि थ्रू आउट द मूवी हम अनफॉर्चुनेटली नहीं देखते। एक्शन इस मूवी का डिसेंट से ओके है, पूरे मूवी में सिर्फ एक ही मेन एक्शन सीक्वेंस है जहां पर ग्लोरिया को और ड्रग कार्टल्स को पुलिस वाले घेर लेते हैं एंड दीज गाइज आर शूटिंग ईच अदर ताकि ये ड्रग कार्टल्स वहां से भाग सके। एंड वहां पे भी कहीं कहीं पर इम्प्रेसिव एक्शन है, मगर कहीं कहीं पर बेवकूफी भरे एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कि उसके पास में एक ग्रेनेड लॉन्चर है एंड ही इज लाइक लॉन्चिंग द ग्रेनेड लॉन्चर लाइक कि जैसे ऐसा लग रहा है फूल फेंक रहा है। वहां पर है, वो एक स्नाइपर वाला शॉट ले सकता है, इतनी दूरी पे है एंड ये बंदा बेसिकली ग्रेनेड लॉन्च कर रहा है। आस पास आप ग्रेनेड लॉन्च कर रहे हो तो सेंस बनाता है। कोई बंदा आपसे बहुत दूर है, बिल्डिंग के छत पे है एंड यू आर लाइक ग्रेनेड लॉन्च कर दिया एंड बिल्डिंग उड़ गई, वो थोड़ा सेंसिबल सीन नहीं था। अगेन थोड़े बहुत स्नाइपर के भी सीक्वेंसेस थे इस मूवी में और उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये बंदा स्नाइपर शॉट नहीं ले रहा है। मैंने भी पबजी खेला है, अब तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है। आपको बहुत एक सीरियस मूड में बहुत ही संभल के एक स्नाइपर शॉट लेना पड़ता है एंड दीज गाइज आर लाइक वो आंखों के सामने स्कोप को रखते भी नहीं है, दे आर लाइक एंड दे आर इवन शूटिंग इट एंड बराबर बंदे के पैर में जाके गोली लग रही है। एम था हेड पे लेकिन पैर पे गोली लग रही है और दूर से ही स्नाइप कर दे रहे हैं। सो ये थोड़े बहुत सीक्वेंसेस थे जो कि जुड़ नहीं रहते, मूवी के थीम के साथ में मैच नहीं कर रहे थे। इस पूरे एक्शन सीन्स को तो मैंने एंजॉय किया, मगर इस एक्शन सीन में मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक सुना जो कि मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। गाने का नाम था दगोम्बास एंड तमाले। एक्शन सीक्वेंस में ये गाने को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो रियली वो रिदम में जा रहा था और आई वॉज लाइक फुल ऑन पम्प्ड अप। आप इस गाने को देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये गाना आप सुनिए। आई थिंक आई फील लाइक ये गाना आपको भी जरूर पसंद आएगा। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवी में जो 3-4 गाने डाले हैं वो काफी डिसेंट है। ओवरऑल कहूँ तो ये मूवी एक वन टाइम डिसेंट टाइम पास मूवी है। अगर आपके पास में कुछ और देखने के लिए नहीं है तो आप इसे देख सकते हैं, मगर आप इससे ओवरऑल कुछ नया
एक्सपेक्ट मत करना, कुछ एकदम फुल ऑन एक्शन पैक सीक्वेंसेस भी एक्सपेक्ट मत करना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6/10। तो ये था हमारा रिव्यू मूवी मिस बाला का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।